कहा जाता है प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता है। गरीब के घरों में भी डॉक्टर और आईएएस बने। पहले 457 और 400 प्लस नंबर लाना एक सपना होता था, लेकिन आज पढ़ाई की जुनून ने विद्या की क्या कीमत होती है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहे थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, और शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप कहीं पर और किसी से भी अपनी जीत को दर्ज कर सकते हैं। एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले आज 457 नंबर ला करके आज हमारे गांव का नाम को रोशन किया। विद्या के बारे में मैं दो लाइन बोलना चाहूँगा कि विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या जमीन से उपजती नहीं है, विद्या का बाप कोई पर्वत न होता, विद्या बगानों में फलती नहीं है, विद्या या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या या आसमान से टपकती नहीं है, और विद्या उसी का जो दिल से है चाहा, विद्या किसी की बपौती नहीं है। नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। बीते शुक्रवार के दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10th का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद लगातार अरवल जिले में सैकड़ों बच्चे जो 400 से अधिक नंबर लाकर अपने जिले का नाम रोशन किया है। कभी अरवल जिले को नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था, लेकिन अब अरवल जिला शिक्षित जिला के नाम से जाना जाता है, और अरवल जिले के लोग अब पढ़ने लिखने में भरोसा करने लगे हैं। वैसा ही वाकया अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत डंगराहार गांव के समीप एक निजी कोचिंग संस्थान की है, जहां कम संसाधन में मात्र 2 रूम में और बच्चों को नीचे फर्श पर बोड़ा पर बैठाकर पढ़ाया जाता है, और उससे बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। कोचिंग संस्थान के लगभग आधे दर्जन से अधिक बच्चों के द्वारा 400 से अधिक नंबर लाकर अपने कोचिंग संस्थान के अलावे जिले के नाम और अपने गांव और माता पिता का नाम रोशन किया है। अरवल जिले के प्यारेचक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आरपी सिंह के द्वारा सभी टॉप आए बच्चों को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने का काम किया। सुनिए छात्र छात्राओं के द्वारा क्या कुछ बताया गया, और शिक्षक के द्वारा क्या कुछ बताया गया, और मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा किस तरह से बच्चों का हौसला अफजाई करने का काम किया गया। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। सौरभ कुमार, कितना नंबर लाया? 457। क्या स्ट्रगल करना पड़ा मैट्रिक एग्जाम में? मैट्रिक एग्जाम में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, साथ ही हमारे गुरुजनों का हम पे बहुत ज़्यादा ही आभार है। हमारे गुरुजन हमें शुरुआत से ही पढ़ाते रहे हैं। यहाँ पर एक बात की खासियत है कि यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो रिवीजन कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाते हैं आगे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते छोड़ दिया जाते आगे पढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पर है कि जो पढ़ाते हैं एक सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, चाहे ना 3 महीना हो जाए, उसको रिवीजन कराया जाता है। मेन यहाँ पर यही है कि मेरा सफलता का कारण है यहाँ पर रिवीजन कराया जाता है। पत्रकार महोदय, आज बहुत खुशी का बात है कि हमारे डंगराहार में सियोर टू स्टडी पॉइंट, जिसका डायरेक्टर हैं हमारे मोदी सर, और हर साल कुछ न कुछ ये जो कोचिंग है अच्छा करते रहता है ये कोचिंग। इसके लिए मैं मोदी सर को और इनको जितने भी सहयोगी टीचर हैं, मैं उनको तहे दिल से आभारी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे गांव के बच्चे और बच्चियों को इतना बढ़िया शिक्षा दे करके। और आज पिछले वर्ष भी हम यहाँ लोगों को पुरस्कार दिए थे, और आज भी पुरस्कार देने का हमको मौका मिला। इसलिए मौका मिला कि मोदी सर का जो मेहनत है वो रंग लाती है हर साल और ला रही है। देखिए, आज हमारे गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले हमारे चचेरे भाई का जो बच्चा है सौरभ कुमार, आज 457 नंबर ला करके आज हमारे गांव का नाम को रोशन किया, जो कि ये बेचारे अपने मेहनत और मजदूरी से इसका दृश्य देखा जा सकता है कि ये कैसा कोचिंग में सौरभ कुमार पढ़ करके सियोर टू स्टडी पॉइंट
जो डंगराहर में है, जो देखिए दिखाया जा सकता है, कैमरामैन को दिखाया जा सकता है कि ये बोड़ा पर बैठ करके ये बच्चे पढ़े हैं। हमारे जो चचेरे भाई हैं, जो सौरभ के जो पिताजी हैं, ये बेचारे हलवाई का काम करके और बच्चे को इतना बढ़िया शिक्षा दिए, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे गाँव के आपने नाम रोशन आपका बेटा करने का काम किया है। और जो नैन्सी जो है, इनके पिताजी एक छोटे से किराने दुकान चला करके जो 418 नंबर लाए, बाकी और जो बच्चियां हैं ये सब कोई 417, कोई 415, कोई 403 ऐसे नंबर ला करके हमारे गांव का जो बच्चों और बच्चियां का जो हौसला है लगातार लोग बढ़ा रहे हैं। मैं इनको चाहूँगा, मोदी सर से आग्रह करूँगा कि और अच्छे बेहतर करें इस कोचिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होता है, यह है उस बच्चे के लगभग 12 से 13 वर्ष के किताबी तपस्या और किताब पढ़ने की जो लगन होती है उसका एक बहुत बड़ा परिणाम होता है, जिसका इंतज़ार सिर्फ उस बच्चे को नहीं, उस बच्चे से जुड़े हुए जितने परिवार रिश्तेदार के सदस्य होते हैं वो सबका रहता है। मैं तो सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ, यह श्योर टू सक्सेस स्टडी पॉइंट जो अरवल ज़िले के अंदर प्यारे चक पंचायत के ग्राम डंगराहर में संचालित है, मेन रोड पर ही मोथा उमेराबाद रोड पर, पिछले साल भी यहाँ के बच्चा ने काफ़ी ज़्यादा मार्क्स लेकर के आया था और हम लोग को भी इसी तरह से बच्चों को सम्मानित करने का मौका मिला था। सबसे पहली खासियत बात है कि यहाँ पर बच्चों को कोई बेहतर संसाधन बैठने का, उन्हें मतलब व्यवस्था जिसे पंखा का हो गया, पानी का हो गया, इस तरह कोई उचित व्यवस्था नहीं है यहाँ। लेकिन जो असली व्यवस्था होना चाहिए किसी भी संस्थान में पढ़ने का, असली व्यवस्था जिसको अगर संस्थान का माना जाता है, शिक्षा ग्रहण कराने का, उन बच्चों के अंदर किसी न किसी माध्यम से विषय वस्तु की जानकारी को उनके दिमागों के अंदर डाल देने का, और वही कारनामा इस संस्था में श्योर टू सक्सेस स्टडी पॉइंट के अंदर किया जा रहा है। कहा जाता है प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता है, सही बात है। प्रतिभा को जरूर नहीं है कि बड़े बड़े संस्थानों में ही बच्चों का निखर सकता है, ये सीखा जा सकता है इन छोटे छोटे संस्थानों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बच्चे हैं, इतने गरीब घर के बच्चे हैं कि मतलब ये क्या कहा जाए, अगर ढंग का इन्हें अगर किताब या कॉपी भी की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, और इन बच्चों ने 457 मार्क्स लेकर के आते हैं, मतलब जो बच्चा बिहार टॉप करता है उनसे कुछ ही मार्क्स कम, यह बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं जो यह जानकारी है और जो ज्ञान है, मैं इसके ऊपर दो लाइन बोलना चाहता हूँ। विद्या की क्या कीमत होती है, बाबा साहेब अम्बेडकर कहे थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है, और शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप कहीं पर और किसी से भी अपनी जीत को दर्ज कर सकते हैं। विद्या के बारे में मैं दो लाइन बोलना चाहूँगा कि विद्या की खेती किसानी न होती, विद्या जमी से उपजती नहीं है, विद्या का बाप कोई पर्वत न होता, विद्या बगानों में फलती नहीं है, विद्या या मेरी गरीबी न मजहब, विद्या या आसमान से टपकती नहीं है, और विद्या उसी का जो दिल से है चाहा, विद्या किसी की बपौती नहीं है। इन बच्चों ने दिल से चाहा है इस चीज़ को, इन बच्चों ने सीधे हृदय के उद्गार और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत किया। जहाँ तक सौरभ कुमार की बात है, इन्होंने 457 नंबर लेकर के आया, यह एक साधारण बच्चा साधारण परिवार से, लेकिन इनके अंदर वो प्रतिभा है जिस प्रतिभा को इन्होंने दिखाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और इन सभी गुरु लोगों को, शिक्षक लोगों को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इस बच्चे के अंदर आने वाले भविष्य में जितनी अधिक से अधिक ऊर्जा हो सके शिक्षा का, पढ़ाई का, उसे डालने का भरसक प्रयास किया जाए, ताकि गरीब के बच्चा मेघावी बने, गरीब के घरों में भी डॉक्टर और आईएएस बने। पहले 457 और 400 प्लस नंबर लाना एक सपना होता था, लेकिन आज पढ़ाई की जुनून ने गांव, गलियों, कस्बों, प्रत्येक घर के आंगन में खेलने वाले बच्चे आज 457 और 450 से ऊपर नंबर लेकर के आ रहे हैं। मेरा नाम विकास कुमार यादव हुआ।